करना कैसे है? अगर आप अभी तक ये सीखे नहीं हो, उलझ जाते हो आप क्वेश्चन में। देखो क्या करना था, सब बच्चे इधर देखो, देखो क्या करना था इस क्वेश्चन में, कुछ करना ही नहीं था। मैंने आपसे कहा था टू लाइन आंसर, टू लाइन, और आप लोग पता नहीं मुझे 5-6 मिनट हो चुके हैं आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो। हाँ भाई, सम ऑफ 11 टर्म होता क्या है, कौन बताएगा? ए प्लस 10 डी, ए प्लस 5 डी। मैं 11th टर्म नहीं पूछ रहा डॉक्टर साहब, सम ऑफ 11 टर्म्स पूछ रहा हूँ। ए प्लस 10 डी तो बेटे 11th टर्म होता है, हम बात कर रहे हैं सम ऑफ 11 टर्म। सर एसएन वाला फॉर्मूला। हाँ भाई, सम ऑफ 11 टर्म, सब बच्चे बताओ क्या ऐसे होगा 11/2, 2a + 10d, यस और नो? सब बच्चे बताओ, यस सर, बताओ ना सबके सब। हाँ सर, 2a + n-1 × d, n हमारा 11 है, अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो क्या ये कुछ ऐसे आएगा? और सर a + 5d 15 है। बहुत देर में नहीं पता चला सलमान साहब? सर मैंने तो कर लिया था, बता तो ज्यादा। इतनी देर में पता चला, हमें तो वही पूछ रहे हैं, आपने कौन सा जल्दी कर लिया था। तो ये हमें चाहिए, मैं इसको बाद में भी लिख सकता था, लेकिन मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि मुझे चाहिए क्या, ये मुझे पता होना चाहिए। आई वॉन्ट a + 5d वैल्यू। एक्चुअली आप में से सारे बच्चे a और d निकालने की कोशिश कर रहे होंगे, और इस क्वेश्चन में आप a और d नहीं निकाल सकते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। इस क्वेश्चन में a और d आप नहीं निकाल सकते। हमें क्या दे रहा है, हमसे कह रहा है सिक्स टर्म। सिक्स टर्म क्या होता है, कोई बताएगा? कितना दिया हुआ है? 15। अगर मैं 15 को यहाँ रख दूं तो क्या आंसर आएगा? 165। कितनी लाइन लिखी? 3। डॉक्टर मर्जिया बताओ क्या हुआ इस क्वेश्चन में? सर बताओ, सही है क्या? सब बच्चे बताइए सही है क्या ये? हाँ सर, यस सर। फिर कहाँ अटके हुए थे? कहाँ अटके हुए थे आप सब बच्चे? सर कर तो लिया था, सोच रहा था सही क्या गलत है। जी सर कर लिया था, सोच रहा था ठीक है या गलत है। कर लिया था, सुन लिया था। कोई बच्चा मुझे बताएगा ये किस किस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है? कल कुछ समझाया था आप सब बच्चों को।